दो चम्मच इसमें मैं डालूंगी शाह जीरा और फिर मैं इसमें डालूंगी हरी वाली मिर्च और डालूंगी प्याज। ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर के साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसको अच्छे से टमाटर को गला लेंगे। दाल के लिए पानी भी गर्म कर दिया है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वाली केतली थी ना ख़राब हो गई है, नहीं तो वो सही रहता था, उससे जल्दी से हो जाता था गर्म पानी। इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, धनिया पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल में इसको अच्छे से भून लेंगे। डालूँगी थोड़ा सा कस्तूरी काश्मीरी मिर्च, ये दाल उबाल दी मैंने ये, और अब मैं इसको इसमें डाल पानी। ये देखो हमारी तड़के वाली दाल तैयार है। इसको थोड़ा पाँच मिनट उबालूंगी, फिर इसमें मैं डालूंगी मेथी, जो सूखी मेथी होती है ना उसको मैंने ऐसे रखा है, इसको डालूंगी। फिर दो तीन पानी धो दिया था, फिर मैंने इसको ऐसे भिगाने के लिए रख दिया है। आधा घंटा मैं भिगाने के लिए रख देती हूँ, इससे क्या होता है ना चावल थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। मैं इसको थोड़ा दो तीन मिनट तक थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करूँगी, इसको ऐसे सूखा तवे में ऐसे भून लूँगी। बहुत अच्छी खुशबू आती है और दाल में भी बहुत अच्छा, दाल या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी होती है ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसको ऐसे भूनने से। अब मैं इसको निकाल लूँगी, इसमें मैं रख दूँगी अब चावल। यहाँ मेरी दाल उबल रही है, हाथों में ऐसे रफ कर लिया है, अब मैं इसको इसमें डाल दूँगी। इससे दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जिसने भी ट्राई नहीं किया है वो एक बार ट्राई करना और फिर मुझे पक्का से बताना। ये देखो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें, अगर कभी धनिया वगैरह या कुछ ना हो तो इसको डाल देना। बन गई हमारी दाल, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। भी काट लिया है, प्याज है, मूली है और मिर्च है, और ये है भांग की चटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुनीता एंड फैमिली। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे हो गए हैं। और मेरा खाना, मैंने खाना वगैरह सब बना दिया है, यासी के पापा खाना खा के स्कूल चले भी गए हैं। मेरी और यासी की तो छुट्टियाँ ही हैं तो हम घर ही हैं। हम अभी थोड़ी देर 12 बजे के आसपास खाएँगे। यासी को भूख लग जाएगी जल्दी तो मैं उसको खिला दूँगी। मैं पहले घर का सारा काम कर लूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी मैं। चलो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, मैं पहले थोड़ी घर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलूँगी। और हम आज कहीं जा तो नहीं रहे क्योंकि नैनीताल का मौसम ना बहुत ही बेकार हो गया, इतनी बारिश हो रही है, कल से कंटिन्यू बारिश ही है। आज तो सुबह बहुत तेज की बारिश हुई थी, मतलब बारिश ही और पूरे बादल ही बादल छाए हैं, बहुत बेकार हो रहा बाहर का मौसम। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत गंदा हो रहा, लेकिन ऐसा है अभी थोड़ा बारिश रुकी है लेकिन बादल तो ऐसे छाए हैं, ये कुछ दिख ही नहीं रहा है नीचे का, बारिश ही बारिश है सुबह से, कल से ही बारिश है। इसीलिए हम सोच रहे थे हम कहीं जाएंगे लेकिन बारिश की वजह से हम कहीं भी नहीं गए। हेलो गाइस, हो गया है मेरा सारा काम, अभी मैंने खाना नहीं खाया है और फिर से बारिश आने लग गई यार। पहले तो मैं ये जो मैंने किचन के सारे ये उठा के बाहर रख रखे हैं, अंदर रखती हूँ, और इतनी मकड़ियाँ आ रही हैं ना आजकल ये बरसात में, बहुत ज़्यादा मकड़ी, जहाँ देखो मेरे को अपना मुँह ही साफ़ करना पड़ रहा है। तो कपड़े तो मैंने धोए नहीं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था, अब जिस दिन थोड़ा मौसम सही होगा उस दिन धोऊंगी। आज तो सुबह से ही बारिश थी तो फिर मैंने आज क्या करा ना, ये यासू ने सारे टॉयस फैला रखे थे, मैंने सारे आज वही सही करे, इसका तो ना काम ही फैलाने का है। सारे मैंने इधर रखे, मैंने यहाँ से ये वाला शेल्फ हटा के इधर लगा दिया, तो अब इस ऐसा कुछ दिख रहा है, ये देखना है कल क्या अभी शाम को ही ख़राब कर दी गई है। अभी थोड़ा वो अपना टीवी देख रही है ना, इस वजह से व्यस्त है इंसान अभी और बारिश के थोड़ा थोड़ा छींटे जैसे आने लग गए हैं। अब मैं जो बिछाया था ना सब मैंने बाहर डाला था 2-10 मिनट पहले, अभी मौसम थोड़ा सा सही था तो मैंने डाल दिया। अब मैं इसको उठाती हूँ क्योंकि बारिश के छींटे आ ही गए हैं। वैसे तो अब तो नैनीताल में तो बारिश ही बारिश,
दोस्तों पता है 2 बज गए हैं और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं पहले आप खाना खा लेती हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत टाइम के बाद घर के मतलब डीप सफाई करी है ना, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। तो मैं पहले खाना खा लेती हूँ। अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ ना, पता नहीं मेरे सर में दर्द क्यों हो जाती है। मैं आप पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और मैं खाने वाली हूँ चावल, तो मैंने अपने लिए बनाई नहीं। क्या हुआ ना, परसों जिस दिन हम घूमने गए थे तो फिर गर्मी बहुत हो रही थी, क्योंकि चलने से तो गर्मी होती है ना, तो हमने क्या खा ली, सबने आइसक्रीम खा ली। और मैं इतनी कमज़ोर इंसान, मेरा गला फिर से दर्द करने लग गया तो फिर इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाए थे। यासी के पापा कह रहे थे मेरे लिए चावल बना देना, तो यासी को तो मैंने सुबह ही खिला दिया था। बच्चों को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए ना, बच्चों का टाइम थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, फिर हम तो कैसे भी करके हम देख लेते अपने को। तो फिर मैंने इसको तो खिला दिया था। फिर मैंने उसके बाद अब घर की सारी अच्छे से सफाई वगैरह करी थी आज, क्योंकि मेन था कि कपड़े नहीं धोने थे। अगर कपड़े धोने होते तो फिर मैं डीप सफाई की संडे के दिन करती हूँ मैं ज़्यादातर, संडे या सैटरडे को। तो फिर इस वजह से ऐसा हो गया। तो अब मैं पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी बहुत सर दर्द हो रही है और फिर उसके बाद मैंने जाना है कूड़ा फेंकना है। पता है 2 बाल्टी कूड़ा भर गया है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कुछ भी हम लेके आते हैं यासी के लिए, क्या करती है, खाती है, कभी तो डस्टबिन में डालती है और कभी प्रोग्राम के चक्कर से डालती नहीं है डस्टबिन में। तो इस वजह से सब इसने बेड के नीचे घुसाया था, कोने कोने में घुसा रखा था सारा कूड़ा। कभी कभार हमसे भी हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि हम इतने अच्छे हैं कि हमसे होता ही नहीं है कूड़ा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया था, तो मैंने अभी कूड़ा भी फेंक के आना है। पहले मैं खा लेती हूँ खाना, मुझे भूख लग रही है और मेरी फिर सर दर्द हो जाएगी। चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे। मैंने सब्जी चढ़ा दी है, आज मैंने बनाई है मिक्स वाली सब्जी। उसके बाद मैंने कुछ व्लॉग ही नहीं बनाया, खाना वगैरह खाया, फिर बर्तन धोए बस। उसके बाद यासी को थोड़ा होमवर्क कराया, दैट्स इट। और फिर थोड़ा यासी के साथ खेला, बच्चों के साथ खेलना ज़रूरी होता है। और तो कुछ भी नहीं करा मैंने। और अभी मैंने खाना बना दिया, आज मैंने बनाई है मिक्स सब्जी, दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने बना तो दी है लेकिन दिखा लेती हूँ कैसी बनी है। काली कढ़ाई में बनाती हूँ ना मैं, तो काली कढ़ाई में तो टेस्टी हो ही जाता है। बनाई है आलू, आलू बनाई है और बैंगन, क्या है इसमें, शिमला मिर्च और मूली सब्जी बनाई है। ये सूखी सूखी सब्जी, क्योंकि हमारी आज सुबह की दाल बची है तो थोड़ा सूखी और तरी वाली दोनों हो जाएगी, ऐसी बन रखी है। देखो अभी इसको मैं पकाती हूँ सेमाच में बिना पानी डाले, बहुत टेस्टी बनती है। जिसने कभी ट्राई नहीं किया वो बिना पानी डाले मेरी सब्जी को देखकर ट्राई करना, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये आलू शिमला मिर्च इन सब में पानी होता ही है, तो इस वजह से इसको सेमाच में पकाओ तो बहुत टेस्टी बनती है सब्जी। चलो फिर ट्राई करना, इसको मैं ढक्कन लगा के इसको आधे घंटे तक ऐसी पकाऊंगी ऐसे। गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना यार प्लीज़। चलो फिर मिलते हैं आपको दूसरे वाले ब्लॉग में। बाय गाइस।